हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अभिजीत सिन्हा एंड टुडे आई एम हियर विथ न्यू टॉपिक फ्रॉम चैप्टर वन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इन प्रीवियस वीडियो आई हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया एंड लैंड यूटिलाइजेशन इन वर्ल्ड। इन वर्ल्ड there are five factors or there are five ways through which we utilize land. Come on to the point. The first one is forest, second one is land not available for cultivation, third is other than fallow land, fourth one is fallow land, and fifth one net zone area. In net zone area we had already read about gross cropped area. Okay, now in this video we are going to start about land degradation and conservation of land resource. Land resource ka degradation kaise hota hai ya fir land kaise degrade hota hai, and next one is land ko conserve kaise kar sakte hain, how we have to conserve land resource. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस टॉपिक में जो कुछ एक दो डाउट रह गया था वो डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है? जस्ट वेट। एक जो डाउट था वो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में एक टॉपिक था आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। इसी टॉपिक में हम लोग तीन और पॉइंट पढ़े थे, इट इज़ सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव बता दिया गया था, जो भी रिसोर्स या जो भी मिनरल्स हम ऑब्टेन करते हैं उसके क्वालिटी को चेक करते हैं, उसके क्वांटिटी को चेक करते हैं कि कितने क्वांटिटी में वो अवेलेबल है, देन उसके बाद उसको ऑब्टेन किया जाता है। अगर वो एडिक्वेट क्वांटिटी में है तो उस जगह के लिए यूज़ किया जाता है, एबंडेंस क्वान्टिटी में है तो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स इफ़ वी हैव सम रिसोर्सेज, सम मिनरल्स इन सरप्लस अमाउंट, देन वी हैव टू एक्सपोर्ट इट टू द अदर एरियाज और टू अदर स्टेट्स। नाउ सर्वेइंग एंड मैपिंग, व्हाट इज सर्वेइंग एंड मैपिंग? सर्वे करते हैं कि किस किस जगह पे किस तरह का रिसोर्स पाया जाता है या किस तरह का रिसोर्स हमको मिल सकता है वहाँ से, ठीक है? लैंड एरिया कैसा है, प्लेटिव रीजन है तो मिनरल्स मिलेगा, ठीक है? फॉरेस्ट रीजन्स है तो वहाँ पे अवेलेबल टिम्बर्स मिल सकता है। एंड मैपिंग करते हैं, मैपिंग करना मतलब उस एरिया को हाईलाइट करके रख दिया जाता है कि उस जगह पे ये रिसोर्स अवेलेबल है। इन फ्यूचर्स जब टेक्नोलॉजी होगा तो हम उसको ऑप्टेन कर लेंगे। एक डाउट इस टॉपिक में था, बाकी दोनों टॉपिक क्लियर हैं। इट इज़ टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप के थ्रू हम ऑप्टेन करते हैं, और उसके बाद रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मर्ज कर देते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन में अगर हम कॉमन वे में वगैरह बात करें तो फाइव कॉमन वेज हैं जैसे जिससे हम लैंड यूटिलाइज कर सकते हैं, बट इंडिया में नाइन वेज है। ऑब्वियस वो सेम ही है, फाइव वेज को क्या किया गया है, अलग अलग कर दिया गया। फर्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट, सेकंड में बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। तो ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट, वेस्ट लैंड एरिया या फिर लैंड नॉट यूज कल्टिवेबल लैंड के रूप में जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। नंबर थ्री अदर देन फैलो, इट मीन्स परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड। नंबर फोर में फैलो लैंड, इट इज़ अदर देन करेंट फैलो एंड करेंट फैलो। करेंट फैलो इज़ फॉर अप टू वन ईयर एंड अदर देन करेंट फैलो इट इज़ फॉर वन टू फाइव ईयर। एंड लास्ट वन इज़ नेट सोन एरिया। इसी फिफ्थ पॉइंट को नाइन पॉइंट में अलग किया गया है। प्रीवियस वीडियो में आपको हम पाई चार्ट समझा ही चुके हैं, तो प्रीवियस वीडियो को फॉलो करेंगे और पाई चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज फिर से आपको हम वही चीज़ समझा रहे हैं कि वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखेंगे, कंटिन्यू देखोगे तो वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज़ ओवरलुक करेंगे तो बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा या फिर इंपॉर्टेंट रिलेवेंट आंसर्स होगा वो आप मिस कर देंगे।
जिसके कारण आपका फिर से क्वेरीज बना रहेगा, प्रॉब्लम एज इट इज़ वही का वही रह जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन फैक्टर्स, इट मीन्स द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ये फिर क्वेश्चन हो सकता है कि मेंशन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। 5 मार्क्स में होगा। यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखा है सिर्फ शॉर्ट में लिखा हुआ है, इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे खुद के वर्ड में। ओके, डिटेल में आंसर प्रोवाइड नहीं करने के पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि अगर डिटेल में आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए तो फिर आपको बस कॉपी करके लिखने वाला हैबिट जो है वो बना रहेगा, खुद का आपका जो राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप नहीं होगा। तो उसको डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप पॉइंट पढ़िए और उस पॉइंट को समझकर उसको खुद के वर्ड में लिख लीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई ऐसा चाहते हैं कि किसी पॉइंट को आप एक्सप्लेन करते हैं कमेंट सेक्शन में, और फिर अगर आप चाहते हैं कि वो हम आपको वेरीफाई करके फिर से उसका आंसर दें, तो यू हैव टू डू इट। यू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एक्सप्लेन द पॉइंट एंड आई जस्टिफाई योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज नंबर वन इज डिफॉरेस्टेशन और रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। इट मीन्स इफ़ यू हैव टू कटिंग ट्रीज इन एक्सेसिव मैनर और रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, इट काउज और इट लीड्स डिफॉरेस्टेशन। नंबर टू, ड्यू टू पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस डिप्लीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, इससे भी लैंड डिग्रेड होता है। ऑब्वियस है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स डिग्रेड हो रहा है तो लैंड भी डिग्रेड होगा। रीज़न क्या बताया है, ड्यू टू पुअर फार्मिंग, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस मतलब हम बहुत ज़्यादा हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारा कुछ यूज़ करने से लैंड जो होगा वो डिग्रेड होगा। नंबर थ्री इज लाइव स्टॉक ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर ड्राफ्टिंग। लैंड को ओवर ड्राफ्ट करना, बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ओवर ग्रेजिंग करना एंड लाइव स्टॉक, जब हम बहुत ज़्यादा एनिमल्स कैटल्स को अपने साथ रखते हैं, उनको लेकर ग्रेजिंग लैंड में जाते हैं, तो ऑब्वियस है कि जो पेस्चर लैंड होगा, ग्रेजिंग लैंड होगा, वो अधिक से अधिक ग्रेज होगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ इन अप्रोप्रिएट इरीगेशन एंड ओवर इरीगेशन। इन अप्रोप्रिएट इरीगेशन इट मीन्स इरीगेट द लैंड इन अप्रोप्रिएट मैनर, और ओवर इरीगेशन, बहुत ज़्यादा इरीगेशन के कारण भी लैंड डिग्रेड होता है। जिसका एग्जांपल आपको हम बता चुके हैं कि पंजाब एंड हरियाणा वाले एरिया में इरीगेशन करके लैंड को कल्टीवेबल बनाया गया, बट अब क्या है, वहाँ की स्थिति क्या हो गया है कि कुछ ऐसे लैंड एरिया है जो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है। क्यों? ओवर इरीगेट के कारण। ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो डाइजेस्ट होना मुश्किल होगा या फिर हो सकता है कि इम्पॉसिबल हो। तो सेम चीज़ है लैंड के साथ भी, बहुत ज़्यादा हम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो लैंड डिग्रेड होगा। नाउ नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन होगा, फैक्ट्री इंडस्ट्री सेटअप होगा, उससे जो वेस्ट निकलेगा वो लैंड के अपर लेयर में या टॉप लेयर ऑफ सॉइल में जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे सॉइल डिग्रेड होगा। एंड कॉमर्शियल डेवलपमेंट या फिर कॉमर्शियल डेवलपमेंट, कॉमर्शियल मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू कॉमर्स, इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी। इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप करने के लिए फैक्ट्री इंडस्ट्री को ज़्यादा सेटअप किया जाता है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरेबल एग्रीकल्चर लैंड या फिर कल्टिवेबल लैंड है वो वेस्ट होता चला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज माइनिंग और क्वेरिंग ऑफ स्टोन मिनरल्स ETC। माइनिंग करना या क्वेरिंग करना सेम चीज़ है, माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग करने को ही क्वेरिंग भी कहते हैं। डंपिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो गलने वाला नहीं है, जो सड़ने गलने वाला नहीं है, उसको हम लोग ऐसे ही लैंड एरिया में डंप कर देते हैं, जबकि उसको करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिग करके, गड्ढा करके, उसके बाद उसमें उसको अगर डालेंगे तो जो नॉन डिग्रेडेबल है वो एक जगह पे ही वेस्ट होके, जो भी जितना भी उसको सड़ना गलना होगा वो उसी जगह पे रहेगा, बट अगर हमारे देखते ऐसे ही लैंड के अपर सरफेस पे फेंक दिए तो वो लैंड एरिया को डिग्रेड करेगा। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डंप करना होगा प्रॉपर वे में। अभी क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के लिए या लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स या फिर कौन सा तरीका हम अपना सकते हैं या फिर कौन सा वेज
फॉलो करेंगे। तो सिंपल है, जो भी पॉइंट आपके डिग्रेडेशन में दिया गया है जस्ट उसका अपोजिट। एफॉरेस्टेशन फर्स्ट पॉइंट डिफॉरेस्टेशन था, यहाँ पे एफॉरेस्टेशन और प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन वाइड रेंज और इन लार्ज स्केल, लार्ज स्केल या फिर लार्ज एरिया में ट्रीज को प्लांट करना, इट इज़ कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। नंबर टू इज़ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब एक लैंड फिक्स कर देना चाहिए जो कि पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड हो। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, शेल्टर बेल्ट एक बनाना चाहिए जहाँ पर सिर्फ प्लांट या फिर ट्रीज प्लांट किया जाए या फिर प्लांटिंग किया जाए प्लांट को, ताकि वो धीरे धीरे उस वो एरिया कल्चरेबल हो, कल्टिवेबल हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। जो एरिया सैंड ड्यून्स वाला है या फिर जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो कि पूरी तरह से ड्राई वाला है, अपर लेयर उसका इरोज होने वाला है विंड के हेल्प से, या फिर जिसको हम लोग विदरिंग कहते हैं या फिर इरोजनल प्रोसेस कहते हैं, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, थॉर्नी बुशेस लगा देंगे। थॉर्नी बुशेस ग्रो करने से क्या होगा कि वो विंड को रोकने में काफ़ी हेल्प करता है और उससे जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होगा वो इरोज नहीं होगा। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ उसमें था, माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण, तो यहाँ पे कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड है सबसे पहले तो उसको मैनेज करना ज़रूरी है। जो वेस्ट लैंड है क्या उस कल्चरेबल हो सकता है, अगर वो कल्टीवेबल होगा तो कैसे, तो ऑब्वियस है प्रॉपर इरीगेशन करके, नॉट इम्प्रॉपर। हद से ज़्यादा इरीगेट करेंगे तो पता चलेगा कि जो वेस्ट लैंड है वो और ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अवॉइड ओवर इरीगेशन स्पेशली इन ड्राई एरिया। ड्राई एरिया में हम क्या करते हैं, ओवर इरीगेशन, जो जस्ट इसके पहले वाला पॉइंट अभी बताया, जो ड्राई एरिया है जहाँ पे इरीगेट करके या फिर मैन्योर प्रोवाइड करके उस एरिया को कल्चरेबल बनाया जा सकता है, कल्टीवेबल बना सकते हैं, ओवर इरीगेट करेंगे तो वो लैंड एरिया वेस्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट वन इज अवॉइड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हाई लेवरिटी ऑफ सीड्स, जो कि हम लोग इससे पहले वाला पॉइंट पढ़े थे क्या, इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस मतलब अवॉइड करना है फर्टिलाइजर्स को, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हाई लेवरिटी ऑफ सीड्स को यूज़ करने से, मतलब इसको रोकना होगा यूज़ करने से। तो इस तरह से अगर हम प्रॉपर मैनेज प्रॉपर वे में चलेंगे तो लैंड डिग्रेडेशन जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, फिर से एक चीज़ रिपीट करेंगे कि किसी भी डिग्रेडेशनल प्रोसेस या अनबैलेंसिंग प्रोसेस को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो एक्सेसिव वे में बढ़ चुका है, डिग्रेड हो चुका है, तो उसको रिड्यूस करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो धीरे धीरे रिड्यूस हो। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ यही दो पॉइंट देखेंगे, लैंड डिग्रेडेशन का फैक्टर्स एंड मेजर्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग सॉइल रिसोर्स देखेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हम लोग फिर जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा सिलेबस में होगा उसके तरफ चलेंगे। जो भी आपका क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेंगे, आपका क्वेरीज आपका प्रॉब्लम्स सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।